शांति। हम सर्व आत्माओं के परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो ज्योति बिंदु और निराकार है, तो वह सृष्टि पर आकर के और हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखलाने के लिए और हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित सुचारु रूप से सुखमय शांतिमय और हर्षित रह करके जी सके, इसके लिए हमें सहज ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा से हम बच्चे जीवन के अंदर एक संतुलन का ऐसा अभ्यास करते हैं और संतुलन की वह कला सीखते हैं, जिस संतुलन की कला में हम अपने जीवन के अंदर जो आवश्यक बातें सुख और शांति के लिए धारण करनी चाहिए या जीवन में लानी चाहिए, वो हम सरलता से ला पाते हैं। और यदि सरलता से जीवन में नहीं भी आती है, तो हम राजयोग के अभ्यास से सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियों को प्राप्त करके और हम अपने जीवन को संवार लेते हैं। उसी प्रकार जीवन के अंदर अयथार्थ है, व्यर्थ है, जो नहीं करनी चाहिए, उन बातों के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है और उसके लिए भी हमें मीठे मीठे शिव बाबा ने सरल राजयोग की जो विधि सिखाई है, यदि हम उस राजयोग को विधि पूर्वक करते हैं या फिर योगाभ्यास करते हैं, तो वह भी हमारे लिए उन अवगुणों को मिटाना या उन अनावश्यक बातों से स्वयं को मुक्त करना हमारे लिए सहज हो जाता है। और जीवन में तो कदम कदम पर हमारे सामने ऐसी अनेक बातें आती जाती हैं। कभी हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ सहना पड़ता है, कभी हमें जीवन के अंदर सामना करने का भी वक्त आता है, तो हमें सामना भी करना पड़ता है। जीवन के अंदर ऐसी भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं जिनमें हमारा भरोसा है, जिनमें हमारा विश्वास होता है, जिनको हमने अपना बनाया है, अपना समझा है, और उन अपनों के सहारे पर हम चल रहे हैं, खुश हैं, अपने जीवन के अंदर आनंद से व्यतीत करते हैं। परंतु ऐसा भी हो जाता है कि वह अपना अपना नहीं रहता, वो पराया हो जाता, हम दुखी हो जाते, अशांत हो जाते, और जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं जो कि हमें अपने उस व्यक्ति से या संबंधी से जब दूर कर देती है, तो वो घटनाएं यदि सुखद हैं तो भी दुख देती हैं, और यदि वो दुखद हैं तो भी वह दुख ही प्राप्त कराती है। तो ये सुख दुख का चक्र, आशा निराशा का चक्र,
अपनों का और परायों का चक्र, शांति और अशांति का चक्र, या फिर कहें तो जीवन के अंदर आनंद और निराशा और हताशा का चक्र, ये जीवन में चलता ही रहता है। अब हम ये चाहते हैं कि जीवन के अंदर भले परिस्थितियां निर्माण हो, विघ्न भी आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन घटनाओं को हम पसंद नहीं करते हैं, जिन घटनाओं के साथ हम जीना नहीं चाहते। कुछ ऐसे अपने भी होते हैं जिनों को भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिनों के साथ भी जीवन जीना या जीवन व्यतीत करना हमें एक बहुत मुसीबत लगती है, बोझ लगता है, या फिर एक समस्या हमारे लिए जीवन के अंदर सदैव है ही है ऐसा भी महसूस होता रहता है। और जहाँ समस्या है, विघ्न है, परीक्षा है, या फिर दुखद घटनाएं जो घटती ही रहती हैं समय प्रति समय, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, परंतु हम उन घटनाओं को रोक भी नहीं सकते, उन परीक्षाओं को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, या उन आने वाले विघ्नों को भी हम मुंह नहीं दे ऐसा भी नहीं हो सकता। और तब हम बहुत ही मूंझते हैं, उलझते हैं, सोचते हैं, और हमारा समय उन सोचों में, उन उलझनों में, उन समस्याओं को सुलझाने में, उन परीक्षाओं को पार करने के लिए क्या करें क्या करें, इन अनेकानेक प्रश्नों के अंदर व्यतीत होता है और समय हमारा नष्ट होता है। और हमारी खुशी तो गायब ही रहती है, क्योंकि हम जब सोच स्वरूप बन जाते हैं, विचार स्वरूप बन जाते, समस्या स्वरूप बन जाते, तो हमारा चेहरा प्रश्नार्थ चिन्ह वाला ही बन करके रह जाता है। जिस प्रश्नार्थ चिन्ह को देख करके जो देखने वाले हैं उनको भी हमारे उन प्रश्नार्थ मुख का संग का रंग लगता है, और वह भी हमसे प्रश्न ही करते रहते हैं कि आपको हुआ क्या है, कुछ बात हुई क्या, कोई दुख है क्या, कुछ नाराजगी है क्या, किसी से कुछ अनबन हुई क्या, कोई ने मूड खराब किया क्या, कोई ने डिस्टर्ब किया क्या। भिन्न भिन्न प्रकार से जैसी जो समीप की संबंधी या व्यक्ति, जितना उसने हमको समीप से परखा है, जितना किसी ने दूर से परखा है, परंतु जितना भी जिसने परखा है उस परसेंटेज में उसको हमारे इन प्रश्नार्थ चिन्ह का जो हमारे चेहरे पर अंकित हो जाता है उसका रंग लगता है। और हमें वह भी पसंद नहीं आता कि कोई हमें इस प्रकार के प्रश्न करे, क्योंकि हम ये दुनिया को दिखाना चाहते, लोगों को दिखाना चाहते कि हम जैसे भी जी रहे हैं, जहां भी जी रहे हैं, जिसके भी साथ जी रहे हैं, जिस परिवार जिस समाज में जी रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विशेषता है कि हम इन सभी परिस्थितियों में बहुत खुश रहते हैं। और हमारे पास कोई भी समस्या नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी विघ्न नहीं। कारण क्या? कारण यही है कि हम उसमें अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमको ये लगता है कि यदि हमारा भेद मन का या मेरी स्थिति का, मेरी अवस्था का रहस्य या भेद यदि उनको मिला तो मेरा इम्प्रेशन क्या उनके ऊपर पड़ेगा।
मेरे लिए वो क्या सोचेंगे, मेरे लिए वो सभी को क्या कहेंगे, तो मेरे व्यक्तित्व के ऊपर भी, मेरी इम्प्रेशन के ऊपर एक छाप लगती जाती है। और उसी छाप से फिर अन्य जो भी उनके द्वारा बातें मेरे प्रति सुनते हैं, वो उन्हीं नजरों से हमको देखते हैं, और उन्हीं नजरों से और उन्हीं नजरों के द्वारा उन्होंने जो कुछ भी देखा, चाहे वो अच्छा भी देखेंगे, परंतु सुनी हुई बातें जो वृत्ति के अंदर प्रवेश कर चुकी है, तो उस वृत्ति के प्रभाव के कारण उसके मुख से जो बोल निकलेगा या उसके कर्म में जो भी हमारे प्रति एक्टिविटी चलेगी, वो एक्टिविटी हमारे मन पसंद नहीं होगी। वह एक्टिविटी जिसने उनको प्रभावित किया हमारे विषय में, अपनी उनकी परख शक्ति के आधार पर, जो कि परख शक्ति गलत भी हो सकती है, परंतु वो परख शक्ति गलत इसलिए हो सकती है कि हमने भी अपनी उस इम्प्रेशन को गलत उनके आगे रजू किया, यानी उनको वो इम्प्रेशन दिखाई चेहरे के द्वारा, और हम ही उनके लिए निमित्त बने हमारी इम्प्रेशन गलत बिठाने के लिए। तो हमने जैसे कि एक प्रकार से उनको धोखे में डाला, और वो भी धोखे में आ गए। कोई धोखे में आ जाते हैं, कोई नहीं आते हैं, कोई उस धोखे में आने के कारण मुख से वह बात का वर्णन भी कर देते हैं, कोई है वो वर्णन नहीं करते पर अंदर में समझते हैं कि कुछ तो बात हुई है लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, कोई बिल्कुल मान भी लेते हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ भी इनके जीवन में ऐसी घटनाएं कुछ नहीं हो रही है, और हम भी उन व्यक्तियों को परखने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि हमें अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस है। हम ऐसा समझते हैं कि मैंने जिस प्रकार से अपने चेहरे और चलन को और एक्टिविटी को उनके सामने पेश किया, उसमें मैं सक्सेस हूं, मैंने व्यवस्थित किया, खुद ही खुद को सफलता की रिजल्ट सुना देते हैं, या फिर खुद ही खुद को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि मैंने बहुत अच्छा पार्ट उसके आगे प्ले कर लिया और उसको कुछ पता नहीं चला, और मेरी इम्प्रेशन खराब नहीं हुई, मेरी इज्जत मैंने संभाल ली। परंतु हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं से बेइज्जत होता है, जो स्वयं से शर्मसार होता है, जो स्वयं से स्वयं को धोखा देता है, स्वयं के धोखे को जानता है, स्वयं को जो पहचानता है, वो व्यक्ति कभी भी सुखी हो नहीं सकती। चाहे प्रभु भी आकर के उसकी झोली में शक्तियां डाल दे, परंतु उन शक्तियों को अगर वो स्वीकार न करे, और जो विधि पूर्वक की प्रभु ने राजयोग की विधि सिखाई है, यदि वो विधि पूर्वक योग न करे, तो शक्तियां होते हुए भी वह स्वयं के आगे भी पराजित है। स्वयं पराजित का जो एक खराब अनुभव होता है, उस अनुभव को अंदर में उसे समाना पड़ता है। अब समाने की शक्ति की भी अपनी क्षमता होती है, समाना कभी कभी हम सहन करके भी समाते हैं, हम अपनी स्थिति का प्रदर्शन न करके भी समाते हैं,
अपनी अवस्था का वर्णन न करके भी हम समाते हैं। जो अंदर में हम जिस भी दुख अशांति विपरीत परिस्थितियां परीक्षाएं प्रतिकूल संजोग उनके प्रभाव से हम जो प्रभावित होकर के अंदर दुखी हैं, अशांत है, निराश है, पीड़ा है, दर्द है, दुख है, हम उसको भी समा रहे हैं। और फिर एक तरफ तो हम स्वयं को समाते हुए ये कोशिश करते हैं कि हम हर्षित मुख रहें, और दूसरी तरफ हम जहां पर जिस भी परिवार में पल रहे हैं, जिस समाज के बीच में हम जी रहे हैं, और फिर हमारा व्यवसायिक क्षेत्र जहां पर भी हम अपना अनेकों के बीच में जीवन व्यतीत करते हैं कुछ घंटों के लिए, फिर हमारा एक मित्र समुदाय भी होता है जिसके साथ भी हम अपनी बातों को शेयर करते रहते हैं। तो ये सभी बातों को हमें अंदर में समाना ही होता है। हम उनसे अकेले भी नहीं हो सकते, हम उनसे जुदा हो करके कहीं दूर जंगलों में चले जाएं, या हम सन्यासी बन वैरागी बन कहीं गुफाओं में जाके बैठ जाएं, या किसी कंदराओं में जाके बैठ जाएं, वह भी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्यक्तिगत रीति से भी अपने फर्ज से और अपने जो भी करने योग्य कर्म हैं उनसे हम बंधे हुए हैं, हम अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। और यही कारण है कि हम उन कर्तव्यों के और फर्ज के बंधनों में बंधे हुए होने के कारण हम इन सभी से अलग और जुदा हो करके कहीं अलग से जा करके और अपनी जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। और ये भी एक हकीकत है कि मनुष्य प्राणी जो सभी प्राणियों में बुद्धिजीवी प्राणी है, वो कभी भी अकेला जी नहीं सकता, वो समुदाय के बीच में ही अपनी जीवन को व्यतीत कर पाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आनंद प्रमोद भी चाहिए, और हम जीवन को चरित्रवान भी बना करके और नैतिकता को भी अपने साथ रखते हुए चलना चाहते हैं। फिर आश्चर्य यह है कि हम चरित्र और नैतिकता दोनों को लेकर के और ऐसी दुनिया में जीना चाह रहे हैं जिस दुनिया के अंदर मोस्टली अधिक प्रतिशत चरित्र बिगड़ा हुआ है, नैतिकता समाप्त होने पर है, गुणों का हाश हो चुका है, शक्तियां किसी के पास भी नहीं रही, जिसके भी पास जाओ, जिससे भी बात करो, जिसको भी देखो, जिसकी भी बातें सुनो, जितनी भी बातें जहां भी किसी के आगे दो पल के लिए भी खड़े हो गए तो हमें दुख और दर्द की ही बातें सुनने को मिलती है। हमें कोई भी इंसान सुखी नजर नहीं आता है। हाँ, सुख और शांति के मुखवटे हर्षित मुखता का पहने हुए वो मुखवटे वाले मनुष्य बहुत नजर आते हैं, परंतु जो रियल मनुष्य, सच्चा हर्षित मुख मनुष्य, जिस मनुष्य को देखने से ही हमारे अंदर भी उसकी हर्षित मुखता के संग का रंग लगे, हम उनको देखते ही जैसे सूर्य के सामने सूर्यमुखी फूल प्रफुल्लित होकर के पूर्ण रूप से खिला हुआ उनके आगे झुका हुआ होता है, जहां उनका मुंह वहां उनका मुंह जाता है,
ऐसे हम भी उन हर्षित मुख जो भी व्यक्तियां हैं उनके संग में हम अपने जीवन पर ऐसा रंग चढ़ा सकें जो हमारी हर्षित मुखता भी उनके चेहरे की जो सच्ची सच्ची सदाकाल की हर्षित मुखता का जो प्रभाव है, जो शुद्ध है, पवित्र है, जिस हर्षित मुखता को मुखवटा पहना हुआ नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का वो असली चेहरा है, तो हम उस व्यक्ति से अपने अंदर वो हर्षित मुखता भर सकते हैं। परंतु हम तब भरे जब हमें ऐसे असली लोग मिले, तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो उन लोगों को ढूंढने के लिए हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध बनानी पड़े, शुभ बनानी पड़े और पॉजिटिव बनानी पड़े, खूब उसका हमें अभ्यास करना पड़े। हम जब मिले, जिससे मिले, जहां मिले, जितना समय उनके संग में रहें, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे नेत्र, हमारे कान पॉजिटिव व्यवहार ही करे, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव देखे, शुभ देखे, शुभ सोचे, शुभ सुने, शुभ बोले, सत्य सुने, सत्य बोले, सत्य देखे, सत्य सुने। आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि हम ऐसी नजरें रखें और वो नजर रखते हुए, यानी स्थूल नजर भी, सूक्ष्म नजर भी, इन दोनों नजरों को यदि दिव्य बना दिया जाए तो हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख सकते हैं। नेगेटिव है, आप सही कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि लोग पूरे नेगेटिव हैं ज्यादा, परंतु नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके देखें, अशुभ में भी शुभ दिखाई पड़े, अस्वच्छता में भी स्वच्छता नजर आए, यही तो राजयोग हमें जीवन जीने की जैसे कला सिखलाता है, वैसे यह भी एक हमें कला इस ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा सीखने को मिलती है, जो हम लोगों ने सीखी है। और हम अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये हम सीख सकते हैं, और सीख करके हम उसका सामर्थ्य जीवन में ला सकते हैं, और उस सामर्थ्य से हम इस जीवन के अंदर भले हम अनेक नेगेटिव पर्संस जो भी हैं, भले उनके संग में हम जी रहे हैं, उनके बीच में जीते हैं, हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव करके और हर्षित रह सकते हैं, और उसका अभ्यास हमें अल्पकाल के लिए ही हर्षित मुख नहीं बनाता, उसका अभ्यास हमें अल्पकाल के लिए अंदर से खुशी नहीं देता, अंदर से आनंद नहीं देता, अंदर से सुख शांति नहीं देता, परंतु जितना जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते चले जाते हैं, उतना उतना उस अभ्यास की रिजल्ट हमें यह प्राप्त होती जाती है कि हम जो निराश उदास चेहरे वाले, जिसके होंठ हंसने में भी बड़ी तकलीफ अनुभव करे, वह होंठ मुस्कुराने लगते हैं, जिनके नेत्र किसी ऐसी अन अच्छी न लगे ऐसी व्यक्ति, अनचाही व्यक्ति, जिसको देखकर नेत्रों के अंदर वो अनचाहा भाव पैदा हो, उससे अवॉइड करने का भाव पैदा हो, उसको देखते हुए न देखकर गुजरने का भाव पैदा हो, वह भी हम मिटा सकते हैं। और हम
देखेंगे उसको और देख करके उनको हम वेलकम भी करेंगे, हमारी नजरें उसका सत्कार करेंगी, हमारे कान उनकी बातों को सुनेंगी, हमारा मुख बोलेगा, लेकिन ये सब पॉजिटिव होगा, शुभ होगा, शुद्ध होगा और हम सुन करके न दुखी होंगे न व्यथित होंगे। जिसको कहा जाता है कि हम सुनते हुए नहीं सुनेंगे, देखते हुए नहीं देखेंगे, बोलते हुए जैसे नहीं बोला, और हम अंदर में सरलता से उस व्यक्ति के हर व्यवहार को बर्दाश्त भी करेंगे और अपनी हर्षित मुखता से अपनी जीवन की अंदर की सुनने की देखने की चेंज से, शुभ वृत्ति से हम उसको भी अपनी उस हर्षित मुखता को भर सकेंगे। अर्थात जैसे बाबा कहते हैं कि हम उनको अपने गुणों का और अपनी शक्तियों का दान दे सकेंगे, उसके लिए आवश्यक है हम यह ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सीखें और उसकी कला जीवन जीने की अपनाएं और उस कला का बार बार अभ्यास करके हम एक ऐसे विजयी कलाबाज बने जो हम अपने जीवन में न दुखी हों, न अशांत हों और ना ही हम किसी अन्य को दुखी करें और ना ही अपने व्यवहार से किसी को अशांत करें। तो आशा करती हूँ इस हर्षित मुखता की कला को धारण करने के लिए हरेक उस पिता परमात्मा जिससे हमको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उनको याद करके उन शक्तियों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को अंदर से और बाहर से सुख शांति और आनंदित बनाएंगे ताकि उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर निखर करके आए और हम हर वक्त खुशनुमा दिखें, हर वक्त हम खिले हुए फूल की तरह देखें, जो हमको देखकर उनके नैन चमक उठे, उनके मस्तक की पलक हो जाए और वो हमको देखकर खुश हो जाए, मुख से खुशी के बोल निकल पड़े। तो हर्षित मुख रहें, हर्षित मुख बने और हर्षित मुख बनाएं। ओम शांति।